देश भर में कल यानी 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत होनी है और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती का आज 65वां जन्मदिन है। मायावती ने अपने जन्मदिन को कार्यकर्ताओं से सादगी और जनक कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने की अपील की है। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने टीकाकरण अभियान शुरू करने के सरकार के फैसले को स्वागत भी किया है। मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार से देश भर में सभी को मुफ्त वैक्सीन प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस दौरान बसपा अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी तो वे सभी को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करेंगी। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार से दिल्ली में किसान आंदोलन की बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को गरीबों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देनी चाहिए। इतना ही नहीं, अपने जन्मदिन के अवसर पर मायावती ने सबसे बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में BSP किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में BSP की जीत तय है। आज मैं अपने जन्मदिन के खास मौके पर केंद्र सरकार से कुछ आग्रह भी करना चाहूँगी, जो ये है कि दिल्ली में किसान काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त आंदोलित है और उनकी मांगों को लेकर किसानों व केंद्र सरकार के बीच में कई बार वार्ता भी हो चुकी है जो अभी तक नाकाम रही है और आज भी इनकी वार्ता होने वाली है, जिसको लेकर हमारी पार्टी आज पुनः ये अनुरोध करती है कि केंद्र सरकार को अब इनकी सभी मांगों को जिसमें 3 कृषि कानून वापस लेना खास है, तो इनकी सभी मांगों को मान लेना चाहिए तो ये बेहतर होगा, क्योंकि किसान अपने हित व अहित को अच्छी प्रकार से समझते हैं। इस दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।